मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं INN चैनल। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव बेहद दिलचस्प है और अब एक आखिरी रात बची है कि जब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इस चुनाव की 11 तारीख को वोटिंग होनी है। आप जानते हैं और हमारे जरिए भी लगातार सुन रहे हैं कि प्रेसिडेंट पद पर कौन कौन मुकाबले में है। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पैनल के बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन आज वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में बात होगी क्योंकि यह भी एक लीडरशिप पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है। और ऐसे में कि जब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव तमाम गहमा गहमियां, तमाम सरगर्मियों के बीच अपने आखिरी दौर में आ पहुंचा और इतने आखिरी दौर में कि अब महज एक रात बची कि जब कल सुबह सबको वोट करना है। ऐसे में आज के लिए हमने आपके लिए खबर बचा के रखी हुई थी और वो खबर ये है कि वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में एक नाम जो तमाम लोगों की जबान पर है वो नाम है कलीमुल हफीज का नाम। आप भी जानते हैं कौन है कलीमुल हफीज। एजुकेशन पर इनका बहुत बड़ा काम है, शाहीन एकेडमी हो या अल हफीज एजुकेशनल सोसाइटी हो, अल हफीज एकेडमी हो जो सेसवान में बन रही है उस पर बहुत ही मजबूती से काम चल रहा है। सर सैयद अहमद खां की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप सुनिए कि इस्लामिक सेंटर में इनका क्या काम है। इस्लामिक सेंटर के आप मेजर डोनर की हैसियत रखते हैं। इस्लामिक सेंटर की तामीरात जो शुरुआती दौर में हुई उनसे एक गहरा टच है इनका, वो आप जब इनकी किताब पढ़ेंगे, जो पहली और आखिरी किताब है अभी तक की जो किसी और ने अभी नहीं लिखी है, कलीमुल हफीज ने इस्लामिक सेंटर पर एक किताब भी लिखी है, उस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। तो अब ऐसे में ये वो शख्सियत है, मजे की बात आपको मैं बता रहा हूं इनके बारे में कि ये वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं कि जिनको हर पैनल के लोग वोट दे रहे हैं और इसका फैसला 12 तारीख को होगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कलीमुल हफीज साहब खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये छोटा सा इंटरव्यू जो लोगों तक पहुंचना है, इसमें पहला सवाल आपसे, आज आप खुद को कहां देख रहे हैं? आखिरी दिन है, कल सुबह वोटिंग होनी है। देखिए, मौजिज मेम्बरान ने फैसला कर लिया है और जिस तरह से मुझे तमाम शहरों से और दिल्ली के तमाम इलाकों से फोन आ रहे हैं और जिस तरह की वो यकीन दहानी करा रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि मुझे मौजिज मेम्बरान क्या के बड़े वोट हासिल होंगे और इंशाल्लाह जीत लंबी होगी। लेकिन जिस तरह का ये चुनाव है कलीमुल हफीज साहब, बहुत सारे लोग मैदान में हैं, क्या आप सिर्फ इस एजुकेशन के मुद्दे को लेकर और सिर्फ इस्लामिक सेंटर की जो शुरुआती दौर में आपने खिदमत की उसको लेकर आपको ये भरोसा है कि आप ये चुनाव जीतेंगे? नहीं, देखिए मेरे तमाम इंटरव्यू मौजूद हैं जिसमें मैंने एक बात कही है कि इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की मैं हैसियत ऐसी देखना चाहता हूं जैसे इंसानी जिस्म में जो उसके दिमाग की हैसियत होती है, यानी जब जिस्म में कोई तकलीफ होती है तो दिमाग को एहसास होता है और वही दिमाग उस तकलीफ का इजाला पेश करता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इस ऐसी भूमिका में हो कि वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की तकलीफ और उन तकलीफों का हल पेश कर सके, यानी तकलीफ को समझ सके फिर उसका हल पेश कर सके। तो यकीनन हमें जो काम करने हैं वो काफी सारे कर रहे हैं, उसमें पहला काम और जो फॉरमोस्ट काम है वो ये कि हमें इस मुल्क इस्लाम और मुसलमान का जो हमारा पूरा एक मुश्तरका तहजीब है जिसे इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं उसकी तहफुज, दूसरा हमें अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए या जो कम्युनिटी पे चारों तरफ से यलगार है उसका कैसे मुकाबला करना है उसके लिए सर जोड़कर बैठकर उसका एक पूरा रोडमैप बनाना, तीसरा और जो बहुत अहम काम है वो ये कि हम आखिर आने वाले वक्त के लिए जब रोडमैप तैयार करें तो उसके लिए हमें एक रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक एनालिसिस सेंटर चाहिए, यानी एक थिंक टैंक चाहिए। उस थिंक टैंक को हमें इस तरह से तश्कील देना है जिससे हमारे समाज के, हमारी मुस्तकबिल की जिंदगियों के और हमारे वजूद के तमाम शोबे इसमें शामिल हो जाएं। और इंडिया इस्लामिक सेंटर जो इसकी सबसे बड़ी कुव्वत है वो इसकी अफरादी कुव्वत है, यानी मेंबरशिप की कुव्वत है। उन मेंबरशिप की कुव्वत का इस्तेमाल करना मैं समझता हूं कि इंडिया इस्लामिक सेंटर का सही इस्तेमाल होगा। प्रेसिडेंट पद की तो बहुत बात हो रही है लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, तो अब मुझे ये बताइए कि आपका मुकाबला किससे है? देखिए, मैं तो सब मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी कैंडिडेट हैं सब अच्छे हैं
और सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि कोई उनमें से कोई मुकाबले तक भी आ पाएगा। इंशाअल्लाह जो मेंबर्स ने जिस तरह से मोहब्बत अब तक एहसास कराया है मोहब्बत का, उससे मुझे लगता है कि जीत का फासला लंबा होगा। और बहरहाल मेरे लिए सब अजीज हैं, और चाहे कोई किसी नंबर पे भी रहे वो मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ चाहूंगा कि मिलके काम करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अक्सर ऐसा होता है कि लोग अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर वो इदारे की तरफ या जिस जगह वो चुनाव लड़ रहे हैं उस तरफ पलट कर भी नहीं देखते आने वाले अगले चुनाव तक। अगर ऐसा होता है तो आपका क्या रद्द अमल है? पिछली मरतबा भी मैं चुनाव हार गया था, हारने के बाद मैंने जीते हुए बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन दिया कि आप मेरी खिदमात ले लीजिए, बिना किसी नाम के, बिना किसी कॉस्ट के मैं आपका एक थिंक टैंक एस्टेब्लिश कर देता हूं। वो एक अलग बात है उन्होंने क्यों नहीं मेरी खिदमात ली, वो लोग बताएंगे, लेकिन मैंने अपना काम तब भी किया था और इंशाल्लाह आज भी मैं आपके चैनल पर अपने मौजूद मेंबरान से ये वादा करता हूं कि मैं चाहे जीतूं या हारूं, मेरे जितने वादे हैं या जो मेरी सकत और मेरी खिदमात है वो मैं पूरी देने को तैयार हूं। खास तौर से मेरा एक ख्वाब है कि इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक थिंक टैंक जरूर बने, और वो थिंक टैंक बाकायदा रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, उसमें बाकायदा डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, सो दैट हमारी जिंदगी के या मुल्क के तमाम शोबों पर बाकायदा गुफ्तगू हो, बाकायदा गौरखोज हो, बाकायदा उस पर तबादला ख्याल हो, बाकायदा उसकी रिपोर्ट को शाये किया जाए, और बाकायदा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके या हुकूमत को लिखकर उन तमाम नुकात पर लोगों को मुतवज्जे किया जाए, ऐसा मैं थिंक टैंक चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो ये कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, ये वही नाम है जो अक्सर जहां जहां हम जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन सारी मीटिंग्स हम लोग कवर करते हैं, हर पैनल की मीटिंग्स कवर करते हैं, तो वहां ज्यादातर वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए एक नाम उभर कर सामने आता है, कभी कभी वो दबे लफ्जों में आता है और कभी कभी वो खुलकर आता है, तो वो कलीमुल हफीज साहब का नाम है। लेकिन अब ये देखना तो 11 तारीख को है, यानी कल, कि कितना भरोसा मेंबर्स इन पर जता पाएंगे, क्या कलीमुल हफीज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अगले वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।